आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, जैसा कि हमने पढ़ा था, वाक्य वे होते हैं जहां दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल होता है, वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुख्यतः रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले साधारण अथवा सरल वाक्य, दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं। पहला है साधारण सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, या फिर जिन वाक्यों में एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है, वे वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां एक कर्ता एक क्रिया हो वह साधारण वाक्य है, या जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह साधारण वाक्य है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, इनको जान लें हम अच्छे से। उद्देश्य है वाक्य में जिसके लिए जो कहा जाए, वाक्य में जिसके लिए जो कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके लिए जो कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय है उद्देश्य के लिए उद्देश्य के विषय में या उद्देश्य के लिए जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, राम कल सुबह विद्यालय जाएगा, यहां राम के लिए कहा जा रहा है, तो राम होगा उद्देश्य। राम के लिए कहा जा रहा है कि राम कल सुबह कहां जाएगा, विद्यालय जाएगा, तो राम के लिए कहा जा रहा है। तो वाक्य में जिसके लिए जो कहा जाए, इट मीन्स राम के लिए कहा जा रहा है, तो राम उद्देश्य होगा। और विधेय उद्देश्य के लिए, राम के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है, कल सुबह विद्यालय जाएगा, ये होगा विधेय, ये होगा विधेय और ये होगा उद्देश्य। क्योंकि राम के लिए कहा जा रहा है इसलिए राम उद्देश्य है, और राम के लिए जो कुछ कहा जा रहा है वह होगा विधेय।
समझ में आया आप लोगों को कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। इसके बाद दूसरी बात है, जहां एक कर्ता और एक क्रिया हो, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, जो काम करता है, और जो काम करने वाला करता है वो जो क्रिया कर रहा है वो भी उस वाक्य में एक ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ड्राइवर बस से स्कूल जाएगा, ड्राइवर बस से स्कूल जाएगा, यहाँ एक उद्देश्य है, एक विधेय है, यहाँ एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए यहाँ पे साधारण सरल वाक्य होगा। इसके अलावा है, नौकर ने समय पर काम पूरा कर दिया, नौकर ने समय पर काम पूरा कर दिया। देखिए बेटा, नौकर ने समय पे काम पूरा कर दिया, काम को करने वाला नौकर है, और नौकर ने समय पे काम पूरा कर दिया, इट मीन्स जो समय पे काम पूरा करना इसका विधेय है, ये काम को करने वाला है, करता है। तो जहाँ एक उद्देश्य है, एक विधेय हो, जहाँ वाक्य में कर्ता एक हो और एक ही क्रिया हो, वह वाक्य कहलाता है साधारण सरल वाक्य। दूसरा वाक्य है संयुक्त या फिर मिश्रित वाक्य, संयुक्त या मिश्रित वाक्य। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जब या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य हमने पढ़ लिया, संयुक्त वाक्य है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसे पहचानने के लिए हमें इन समुच्चय बोधक अव्ययों का ध्यान करना पड़ेगा, और ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा एवं आदि। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनके कारण संयुक्त वाक्य बनते हैं। देखिए परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगर दोनों को अलग अलग करके लिखा जाए तो दोनों का एक विशेष अलग अर्थ निकलेगा। जैसे मैं आपको समझा दूं, राम पढ़ेगा
या सोएगा। राम पढ़ेगा या सोएगा, राम का पढ़ना और सोना एक समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहां संयुक्त वाक्य होगा। राम पढ़ेगा, अगर एक वाक्य को देखें, दूसरा या सोना, समझ में आया, दोनों अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र उपवाक्य हैं, और दोनों जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र उपवाक्य हैं तो वहां संयुक्त वाक्य की बात आती है। अगर वो दोनों वाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़े हैं तो वह कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान अधिकतर इन समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं इनके द्वारा की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों वाक्यों के बीच में आएंगे। जैसे वह अपने घर गया है इसलिए विद्यालय में नहीं आया। देखिए, वह अपने घर गया है, एक स्वतंत्र उपवाक्य है, दूसरा स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य है विद्यालय में नहीं आया, और ये दोनों एक योजक से जुड़े हुए हैं, एक समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ संयुक्त वाक्य होगा। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं अपने आप चला जाता लेकिन मुझे चोट लगी है, मैं अपने आप घर चला जाता, एक स्वतंत्र उपवाक्य है और दूसरा मुझे चोट लगी है, दोनों जुड़े हैं एक योजक के द्वारा, दोनों एक योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब मैं तीसरे वाक्य पे आता हूँ, और तीसरा वाक्य है, मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य की अगर मैं बात करूं आपसे, अब हमारा तीसरा रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है, जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और उससे जुड़े हुए बाकी के वाक्य आश्रित उपवाक्य हो, वह वाक्य कहलाता है मिश्रित मिश्र वाक्य। इसमें जो युग्म होते हैं वो होते हैं जैसा वैसा अब तब या फिर जहां वहां
जहाँ वहाँ जिन्हें उन्हें जिन्हें उन्हें जो सो जो सो जिसकी उसकी जब तक तब तक जब तब आदि। इन वाक्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जहां जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हैं, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए हैं, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहलाता है। इनकी पहचान जहाँ तक होती है वो इन युग्म शब्दों से होती है, जैसा वैसा, अब तब, जहाँ वहाँ, जिन्हें उन्हें, जो सो, जिसकी उसकी, जब तक तब तक, जब तक तब तक, या फिर जब और तब। अगर मैं मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण आपको बताऊं तो ये है कि जो छात्र कुछ उदाहरण है आपके सामने जो छात्र कक्षा में प्रथम आया था जो छात्र कक्षा में प्रथम आया था उसे मंच पर बुलाया गया, उसे मंच पर बुलाया गया, ये एक मिश्र वाक्य है। जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा कोई और नहीं, वैसा कोई और नहीं। जब तक जब वह आई थी तब मैं नहा रहा था, जब वह आया तब मैं नहा रहा था। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए, वह खड़ा हो जाए। देखिए बेटा, इन वाक्यों में जैसे कि जो छात्र जो सो जो या उसे, है ना, जो छात्र कक्षा में प्रथम आया था उसे मंच पर बुलाया गया, या जैसा वैसा, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा कोई और नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर देखने में आ रहा है, एक तो प्रधान उपवाक्य है और एक उसके साथ आश्रित उपवाक्य है, जो युग्म के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो प्रधान उपवाक्य है उसके बिना आश्रित उपवाक्य अधूरा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। अब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, तो ये समझने के लिए ये प्रधान उपवाक्य है कि महात्मा गांधी ने कुछ कहा, लेकिन उसके साथ में एक आश्रित उपवाक्य भी होना चाहिए। आश्रित उपवाक्य है करो या मरो।
या तो करो या फिर मरो। तो ये है एक आश्रित वाक्य है। और महात्मा गांधी ने कहा प्रधान उपवाक्य है। तो देखिए मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। तीनों की परिभाषाएं अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए। सबसे पहले साधारण सरल वाक्य। साधारण सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय या फिर एक कर्ता और एक क्रिया, वह वाक्य होगा साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान है जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, वो होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्रित वाक्य, जहां दो उपवाक्य में एक प्रधान तथा एक आश्रित उपवाक्य योजक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वह होता है मिश्रित उपवाक्य। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले वाक्य, वाक्य के रचना के आधार पर तीन प्रकार हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। आज के लिए इतना ही, बाकी कल होगा बेटा।